हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि एक जो 88 एक अटरेज होती है उसको कैसे रिपीट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको पहले खोला कैसे जाता है। ठीक है, जो ये आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिस साइड ये ड्रम का ये हिस्सा है, यहाँ पे आपको एक जो पेच है ये दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमें ये पेच हटाना है, इसका ये पेच है, खोल लेते हैं सबसे पहले। हाँ, ठीक है। अब हमें ये जो इसके ऊपर ये कैप दिखाई दे रही है ये हटानी है। ठीक है, ठीक है। अब ये कैप तो हट गई हमारी, अब ये कार्ट्रिज खोलनी है। कैसे खोलनी है? ये कार्ट्रिज खुलती है, इसके दो हिस्से होते हैं। हमें ये जो कार्ट्रिज है ये हिस्सा तो इसकी तरफ खींचना है, नीचे की तरफ। ठीक है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कार्ट्रिज खुल जाएगी, देखिए। ठीक है, ये ऐसे खुलती है और इसे ऐसे हटा देते हैं। ये कार्ट्रिज हमारी खुल गई है। ठीक है, ये तो होता है हमारा स्टोरेज टैंक, जिसमें हम इंक स्टोर करते हैं। और ये पार्ट होता है हमारा, इसमें एक तो ड्रम लगा होता है, एक पीसीआर लगी होती है, और ये जो नीचे हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें डस्ट होती है। ठीक है, पहले हम ये जो ड्रम है इसको निकाल लेते हैं। इनको हमें धीरे धीरे निकालना है। ठीक है, अब हम जो इसकी ये पीसीआर है ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें हमारी जो कार्ट्रिज होती है उसकी डस्ट होती है, इसको साफ करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम साफ करेंगे, इसके दो दो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। जो ये पेच दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम खोल लेते हैं। ये डस्ट को हमें साफ करना, जो इसमें ये जो आपको डस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको बाहर निकाल देना है, और इसको भी किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लेना हमें। तो ये जो इसमें इंक थी वो हमने साफ कर ली है, और जो ये इसका ऊपर का हिस्सा है ये भी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, और इसको हमें वापस लगाना है। अब ठीक है, अब हमें जो पीसीआर है, एक तो एक ये ड्रम है, ठीक है, इसको भी किसी साफ अच्छे कपड़े से हमें साफ कर लेना है। लीजिए दोस्तों, हमारी जो ये पीसीआर है और ये जो ड्रम है हमने साफ कर दिए हैं। ठीक है, अब इनको हम वापस लगा लेते हैं सही। ठीक है, जैसे ये लगे हुए थे हमें वैसे वापस लगा देने हैं। अब ये जो हमारा ड्रम है इसको वापस लगा लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ड्रम है वो पीसीआर है, और ये जो सेक्शन है हमें ये सेक्शन पूरा कर लिया है। ठीक है, अब बारी है इस सेक्शन की, जिसमें हमें इंक रिफिल करनी है। देखिए, इसमें आपको जहां से आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो मशीनरी है ये दिखाई दे रही है, यहां से आपको कार्ट्रिज नहीं खोलनी है।
सबसे मेन बात ये है, ठीक है, आपको इस अपोजिट साइड, इस साइड से आपको पार्ट्रेज खोलनी है। तो इस साइड भी आपको एक जो पेज है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा, ये पेज हमें अब खोलना है। ठीक है, पेज हमने खोल लिया है, ठीक है, अब ये जो इसका ऊपर का जो हिस्सा कैप है ये हमें धीरे धीरे हटा देनी है, ठीक है, ये कैप हमने हटा दिए। इसके नीचे एक कैप और है, ठीक है, ये भी हमें हटा देनी है, ठीक है। अब हम एक कार्ट्रिज रिफिल करनी है, कैसे, एक इसमें दो तरीके से कार्ट्रिज रिफिल होती है, एक तो आपको ये कैप दिखाई दे रही है, इसको खोल के हम डायरेक्ट ही कार्ट्रिज को रिफिल कर सकते हैं, ठीक है, और ये कार्ट्रिज रिफिल हो जाएगी। बट मैं आज आपको ये जो ये तरीका है, यहाँ से जो ये मैग्नेट रॉड है ये हटा के हम तब कार्ट्रिज रिफिल करेंगे आज, ठीक है। जो मैग्नेट रॉड है इसको मैं हटा देता हूँ धीरे धीरे से, ठीक है, ठीक है, इसको एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। अब आपको ये कार्ट्रिज ओपन है, ठीक है, अब इस कार्ट्रिज में आपको इंक डालनी है, ये हमारी इंक है, ठीक है, और ये इंक डालने के लिए कैप होती है, इसे हम यूज करते हैं ताकि ज्यादा इंक एक साथ में ना डल पाए और इंक की वेस्टेज कम हो, उसके लिए हम ये कैप यूज करते हैं, ठीक है। ये कैप का यूज हम जो यहाँ से कार्ट्रिज रिफिल करते हैं इसमें भी की जाती है, ठीक है, बट अब आज हम आपको यहाँ से कार्ट्रिज रिफिल करना सिखाएंगे, ठीक है। ये जी दोस्तों, आज हम आपको कार्ट्रिज रिफिल कर देते हैं, धीरे धीरे हमने इंक इसमें सारी इंक डालनी है, दोस्तों। कार्ट्रिज रिफिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक बार अपने हाथ से कर लोगे आप तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ पाएगी। ये थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो ताकि जो इंक है अच्छी तरह से अंदर तक कार्ट्रिज के टैंक में चली जाए। ऐसे ही आपको बराबर मात्रा में पूरी कार्ट्रिज में इंक डालनी है ताकि प्रिंट करते टाइम कार्ट्रिज में अच्छी तरह से प्रिंट आ सके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने जो इंक है सारी की सारी इसमें डाल दी है, अब आपको क्या करना है, अब जो ये मैग्नेट रोड थी, ठीक है, ये जो मैग्नेट रोड है ये वापिस यहीं पे लगा देनी है हमें, ठीक है, ठीक है। अब आपको जो ये कैप थी ये छोटे वाली, पहले ये कैप लगानी है, इसमें डी पॉइंट होता है, ठीक है, ये देखिए ये और इसमें भी होता है, ये आपको सेम ऐसे ही एडजस्ट करके लगा देने हैं, ठीक है। अब ये इसकी ऊपर बड़ी वाली कैप थी, अब ये लगा देनी है हमें ऐसे के ऐसे जैसे ये थी, ठीक है। अब इस पे एक ये पेज था, अब ये लगा देना आपको, ठीक है। जो हमारा कार्ट्रिज रिफिलिंग का सेक्शन है ये भी हमारा अब पूरा हो चुका है। अब क्या करना है, जो ये दो पार्ट थे हमें इन्हें वापिस जैसे थे वैसे के वैसे अटैच ये कर देने हैं, ठीक है। ये आपको दो ये पॉइंट दिखाई दे रहे, देखिए ये देखिए, और ये दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं में डालेंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये हिस्सा थोड़ा आगे डल गया, अब इसको ऐसे
अपनी तरफ सरका दें तो ये कार्ट्रिज फिट हो जाएगी इसमें। अब एक कैप और रखिए, ठीक है, ये है, ये डलेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये एक पेच है, ठीक है, और इसको पेच को हम बंद कर देते हैं अब। दोस्तों अब हमारी ये कार्ट्रिज है ये रिफिल होके बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।